धर्मेंद्र के बेटे और एक्टर बॉबी देओल जल्द सलमान खान के साथ रेस 3 में नजर आने वाले हैं। फिलहाल वे इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की करें तो उन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाली इताया देओल से शादी की है। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि कभी बॉबी का अफेयर सलमान खान की ऑन स्क्रीन बहन हम साथ साथ हैं और 80 से 90 एस की फेमस एक्ट्रेस नीलम कोठारी से रहा है। सोर्सेज की माने तो बॉबी और नीलम करीब 5 साल सीरियस रिलेशनशिप में रहे, हालांकि इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। एक वक्त था जब बॉबी और नीलम एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे। दोनों के क्लोज फ्रेंड्स आज भी इस बात को जानते हैं। दोनों का अफेयर शादी तक नहीं पहुंच पाने की वजह बॉबी के पिता धर्मेंद्र माने जाते हैं। दरअसल धर्मेंद्र इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका एक भी बेटा बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस से शादी करे। इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। नीलम ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप और बॉबी के साथ रहे सीरियस रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी। उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया था कि दोनों का अलगाव आपसी सहमति से था, न किसी तीसरे के आ जाने की वजह से ये कपल अलग हुआ था। नीलम ने कहा था, हाँ ये सच था कि बॉबी और मैं अलग हुए। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें लेकर काफी कहानियाँ बनाई जा रही और अलग अलग बातें हो रही है, इसीलिए मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती लोग उस बात पर यकीन करें जो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये अफवाह भी आई कई ब्रेकअप की वजह बॉबी का पूजा भट्ट के साथ नजदीकियां आना है, तो मैं बता दूं कि ये सब झूठ है। मेरा और बॉबी का ब्रेकअप न तो पूजा की वजह से हुआ है और न ही किसी दूसरी लड़की के कारण। हम आपसी सहमति से अलग हुए।